हम अभी भीमा कोरेगांव के क्रांति स्तंभ जो है, विजय स्तंभ जो है, वहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कार्यक्रम कल होने वाला है, लेकिन फिर भी लोगों का जो जमावड़ा है, लोग जिस तरह से इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, 200 वर्ष पूरे हुए हैं इस विजय स्तंभ को, इस लड़ाई को, इस उपलक्ष्य में काफ़ी सारे लोग बहुजन समाज के इस विजय स्तंभ को अभिवादन करने के लिए, उन 500 लोगों को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये विजय स्तंभ है, हालांकि ये आमतौर पर ऐसा नहीं है, उसको फूलों से सजाया हुआ है, और हज़ारों की तादाद में लोग आज से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, और हो सकता है, संभवतः तैयारी चल रही है, ये भी अंतिम तैयारी है। इस अंतिम तैयारी के तहत सारे जगह को फूलों से सजाया जा रहा है। ये जो काम करने वाले लोग हैं, ये भी बहुजन समाज के हैं। सारा जो विजय स्तंभ का जो परिसर है वो क्रांतिमय हो गया है। हालांकि मैं लगातार इस कार्यक्रम के लिए आते रहता हूँ, हर साल आता हूँ, लेकिन इस तरह का माहौल पहले दिन कभी मैंने देखा नहीं है। ये 200 वर्ष इस विजय स्तंभ को पूरे हुए हैं, इस उपलक्ष में इतनी सारी तैयारियाँ, सारे देश भर से लोग, बहुजन समाज इन 500 शूरवीरों को मानवंदना देने के लिए, उन्हें अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हालांकि मैं इसको अभी इस वक्त जूम नहीं कर सकता, लेकिन जो शूरवीर इस युद्ध के दौरान शहीद हुए थे, उनमें कई 17 लोग मुस्लिम थे, उसके बाद भटके विमुक्त जाति के कुछ लोग थे, मराठा लोग थे, वे भी इस युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। ये उन लोगों के नाम अंग्रेज़ों ने उस विजय स्तंभ पर बना दिए थे, लिख दिए थे। एक्चुअली ये सब सारा जो विजय स्तंभ है, ये फूलों से उसको कवर किया है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता वो नाम, लेकिन वो नाम जो है वो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लिखवाए थे उनकी याद में। ये पूरा विजय स्तंभ, जैसे मैं आपको सारा परिसर दिखा रहा हूँ, हर तरफ आपको लोग दिखाई देंगे। ये माहौल अभी का है, मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कल कितने लोग इस कार्यक्रम के लिए आएंगे, लाखों की तादाद में। कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 10 लाख लोग इस कार्यक्रम के लिए आएंगे। पुलिस प्रशासन की अपनी एक व्यवस्था है, वो भी इस कार्यक्रम को सही तरीके से, सुचारू रूप से चलाने के लिए जुटे हुए हैं। ये माहौल काफ़ी क्रांतिमय माहौल है, जैसा आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको हर उम्र के लोग, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, महिलाएं खास तौर पर इसमें सहभागी हुई है। इतनी ठंड है पुणे में, आमतौर पर उतनी ठंड होती है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड के माहौल में भी हर प्रकार के लोग, हर उम्र के लोग इस उन 500 शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये उनके पैर भी पड़ रहे हैं, हालांकि ये गलत बात है, लेकिन लोगों की सोच है अपनी अपनी। मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठना, भले वो अलग अलग संगठनाओं में काम करने वाले लोग हो, लेकिन बहुजन समाज आज भी जो पेशवाई भारत में निर्माण हो रही है उसके विरोध में है, उसके खिलाफ में है। जो 500 शूरवीर लड़े थे, उनका जो
उनकी उनकी लड़ाई का अगर हम संदेश निकालना चाहे कि उनसे हमें क्या संदेश मिलता है, तो वे केवल एक जाति के लोग नहीं थे, अलग अलग बहुजन समाज के अलग अलग जातियों के लोग उस लड़ाई में शामिल थे, 500 लोग थे। उन 500 लोगों ने मिलकर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ी और जो पेशवाई थी, जो अन्य अत्याचार उस समय बहुजन समाज पर हो रहा था, अस्पृश्यता अपनी चरम सीमा पर थी, ऐसे में उन्होंने ये लड़ाई मिलजुल कर लड़ी है। और उनसे आज के जो नौजवान है या आज का जो बहुजन समाज है, उन्होंने एक प्रेरणा लेनी चाहिए या एक संदेश हमें उन 500 लोगों के लड़ाई से मिलता है कि अगर बहुजन समाज इकट्ठा हो जाए, एक साथ आ जाए, तो वो किसी भी प्रकार के अन्य अत्याचार की व्यवस्था को नष्ट कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। इतनी ताकत बहुजन समाज में है, बशर्ते वो बहुजन समाज इकट्ठा होना चाहिए, संगठित होना चाहिए, और संगठित प्रयास से ही हम अन्य अत्याचार की व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। हर प्रकार के लोग इस कार्यक्रम के लिए आए हुए हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई ग्रुप फोटो खिंचवा रहा है। मैं थोड़ा ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि ये जो फ्रेम है मोबाइल की मेरे, वो सारा सारा माहौल इसमें कैद हो जाए। कल ये माहौल और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा लोग, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग संगठनाएं हैं, लेकिन फिर भी एक बहुजन समाज, और जिसने पेशवाई को ख़त्म किया, अन्य अत्याचार को ख़त्म किया, उनका उनका एक संदेश, उनसे एक प्रेरणा लेने के लिए ये सारे लोग बहुजन समाज के यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ गौरव जी कासारे है, वो आपको बताएंगे इस ये जो लड़ाई हुई, वो इस लड़ाई से क्या क्या देखते हैं। जय मूल्यवासी साथियों, जय मूल्यवासी, जय भीम साथियों, ये जो आप देख रहे हो ये भीमा कोरेगांव का क्रांति स्तंभ है। ये वो शौर्य दिन है जब ही ब्राह्मणी व्यवस्था को, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिसको रैयत का राज्य, लोक कल्याणकारी जो राजा हुए थे, उनका जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो राज था, वो शिवशाही को समाप्त करके जिन पेशवाओं ने कपट नीति से ये राजपाट छीना था और उनके पुत्र संभाजी राजा की हत्या की थी, इसका बदला लेने के लिए समस्त बहुजनों में से मराठा, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीडीएनटी, वीजेएनटी और इनमें से धर्म परिवर्तित मुस्लिम, सिख, लिंगायत, इन सभी लोगों का इसमें सहभाग था। और इन 500 शूरवीरों ने उन 28,000 पेशवाओं को ख़त्म किया था। तो ये बहुत ही प्रेरणादायी बात है कि समस्त बहुजन समाज जब भी इकट्ठा हुआ है, तभी तभी इस ब्राह्मणी व्यवस्था को परास्त किया है। और आज अगर देखा जाए तो आज ब्राह्मणी व्यवस्था का जो वर्चस्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, अगर इसको ख़त्म करना होगा, क्योंकि ये ब्राह्मणी व्यवस्था इन समस्त मूल निवासी बहुजनों की, जो यहाँ के भूमिपुत्रों की, जो भारत के लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ह्यूमन अधिकार है, जो मानवीय मूलभूत अधिकार है, उसका हनन किए जा रही है। अगर इस को बचाना होगा, मानवीय मूलभूत अधिकारों को बचाना होगा, तो समस्त बहुजन समाज ने इकट्ठा आके फिर से इस ब्राह्मणी व्यवस्था को परास्त करने के लिए यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इस विजय स्तंभ को मान वंदना देने, इन 500 शूरवीरों को अभिवादन करने के लिए कहां कहां से लोग इस दिन में, आज की रात यहां पर आए हुए हैं। हम बात करते हैं किसी ऐसे लोगों से जो आपको बताएं। मैं अगर बात करता हूं इन लोगों की, सर आप कहां से आए? हम लोग तो थाना से आए सर। अच्छा, थाना से आए। हाँ जी। कितने लोग आए हैं आप?
अभी तो फिलहाल दो ही आदमी आया है आगे, पीछे हमारा थे तीन चार गाड़ी आने वाले। अच्छा, कितने लोग हैं आने थाना से आने वाले? थाने से आने का कमी से कमी 300-400 आदमी तो आएगा। अच्छा, मतलब आपके पहचान के 300-400 लोग आने वाले हैं और अलग अलग लोग भी इस कार्यक्रम में सहभागी होने वाले। क्या है ये कार्यक्रम, मतलब क्या है ये स्तंभ और क्यों आ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे देखो जी, बाबा साहब ने इधर मान वंदना देने के लिए आया था। 1888 में जो लोग को लड़ाई में जी शहीद हो गया, उनको अभिनंदन करने के लिए हम लोग आते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। और भी बहुत से लोग हैं, महिलाएं हैं, युवा है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर क्यों वे लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका नाम? आपका नाम? रोहित। रोहित कहाँ से आए आप सर? पुणे से आए। आपका नाम मैडम? शैला कांबळे। शैला कांबळे जी, क्यों आए आप लोग यहाँ पर? आज देखने के लिए स्तंभ। क्या है ये स्तंभ, बता सकते हैं आप क्या हुआ था? जालंधर से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप पाजी को देख सकते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे आखिर यहाँ क्यों आए हैं और क्या पर्पज है यहाँ पर आने का। हम यहाँ पे स्तंभ को सलामी देने आए हैं और ये स्तंभ का हमारा बहुत जुना संबंध है और मैं पुणे जिला रिपब्लिकन पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते से मेरा इधर आना मेरा फर्ज बनता हूँ। मेरा नाम है इंद्रपाल सिंह रत्तू, मैं 88 साहब का कार्यकर्ता हूँ। ठीक है, धन्यवाद सर। और भी मतलब अलग अलग संगठन के अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहाँ से आए आप सर? पुना। पुना कौन सा तहसील? प्रॉपर पुना? हाँ, पुना से। कितने लोग हैं प्रॉपर पुना से? छह लोग हैं। मतलब आपके जो दोस्त लोग हैं वो छह लोग? हाँ, आप आए हैं। हाँ। और कितने ऐसे आने वाले हैं? और बहुत सारे आने वाले हैं। कल बहुत सारे आने वाले हैं सुबह 7 बजे। क्या है यहाँ पर, क्यों आते हैं इतने लोग यहाँ पे? जो है वो 1818 में है ना युद्ध हुआ था पेशोर महार के बीच में, महार बटालियन के बीच में। 500 महार ने 2500 पेशवा को खत्म किया था यार। 28,000 पेशो लोगों का खत्म किया था, हत्या कर दी थी। युद्ध हुआ था 500 महारों के बीच में और 28,000 सैनों के बीच में पेशवा के। तो 500 महारों ने पूरी पेशवाई को खत्म कर डाला, उनका नाम निशान मिटा डाला। तो वो तो हो गई ना बात, मतलब ये हो गया अभी 1818 में हो गया, तो फिर आज क्यों हम लोग यहाँ पर जमा है? उस घटना का आज, लेकिन कल 1 जनवरी 2018 को 200 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए सब इसको हर साल 1 जनवरी को, इससे भी बहुत क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, सब इधर सैल्यूट करने के लिए आते हैं विजय स्तंभों को। ठीक है, थैंक यू। महिलाएं भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करना चाहेंगे। मावशी जरा बोलता का, कशा साठी आला है तुम्ही ते, किस लिए आए हैं? बाबा साहेबाचं ये पाहायला आले आम्ही। अच्छा, क्या है ये स्तंभ, मतलब पहली बार आए यहाँ पे? अच्छा अच्छा, आप पहली बार आए? ओके, ठीक।
ये विजय स्तंभ है जहां पर मेरे जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 1927 को जब महाड़ चौदार तालाब का सत्याग्रह की तैयारी चल रही थी तब बाबा साहब अंबेडकर पहली बार यहां पर आए थे और ये स्तंभ देखने के बाद उन्होंने उनके जो उद्गार थे उन्होंने जो पहली बार ये स्तंभ देखने के बाद जो बोला वो ये था कि ये हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है कि हम हारे हुए लोगों की संतान नहीं है, हम उन लोगों की संतान है, हम उन लोगों की औलादे हैं जिन्होंने अन्याय अत्याचार की पेशवाई को जड़ से ख़त्म कर दिया। तो ये अपने आप में बाबा साहब अम्बेडकर कहते कि अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में दो बातें जो है मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। एक तो पहली बात ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर 1952 को जो जालंधर में एक सभा हुई थी उस सभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर 1952 को कहते हैं और वही बाबा साहब अम्बेडकर अनपढ़ लोगों को सैल्यूट करते हैं हर साल। बाबा साहब 1927 के बाद हर साल जब भी उन्हें मौका मिलता था वो भीमा कोरेगांव के इस क्रांति स्तंभ को सलामी देने के लिए उनको सैल्यूट करने के लिए यहाँ पर आते थे। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर उन 500 जो लोग थे जो 500 शूरवीर योद्धा थे वो अनपढ़ थे, उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की थी लेकिन उन्हें वो सैल्यूट करते हैं, उन्हें सलामी देते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बाबा साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझे धोखा दिया। ये ऐसा बाबा साहब क्यों कहते हैं? इसका कारण है कि 500 लोग जिन्होंने पेशवाई को ख़त्म किया उन 500 लोगों को अपने दुश्मन का पता था, वो अपने दुश्मन को भली भांति जानते थे और इसलिए उन्होंने दुश्मन को ख़त्म कर दिया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो पढ़ा लिखा वर्ग बहुजन समाज में तैयार हुआ उस पढ़े लिखे वर्ग ने अपने शत्रु को अपने दुश्मन को नहीं पहचाना, वो केवल और केवल आत्मकेंद्री हो गया, खुद के बारे में सोचने लगा, अपनी बीवी अपनी बच्चे अपने परिवार इसके बारे में सोचने लगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े लिखे लोगों को धोखेबाज कहते हैं और जो अनपढ़ थे उन अनपढ़ लोगों को सलाम करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा होना और समझदार होना ये दोनों अलग अलग बातें हैं, जिसे अंग्रेजी में एजुकेट एंड लिटरेट ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हमारे लोग लिटरेट हो गए, साक्षर हो गए, उनको अक्षर का ज्ञान हो गया लेकिन वो समझदार नहीं हुए, वो बुद्धिजीवी नहीं हुए। वो 500 लोग भले ही अनपढ़ थे, लिटरेट नहीं थे, उनको अक्षर ज्ञान नहीं था लेकिन फिर भी वे बुद्धिजीवी थे। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचाना था और दुश्मन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। आज अगर हम अन्याय अत्याचार की व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अगर हम समाज के लोगों को बोले तो समाज के लोग बोलते हैं कि मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे का एजुकेशन चल रहा है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। उन 500 लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं की और इस वजह से राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन हमें बाद में दिखाई देता है, इस वजह से हमें छत्रपति शाहू जी महाराज का आंदोलन दिखाई देता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन दिखाई देता है। और इस 108 का जो संघर्ष हुआ इस संघर्ष के बाद संविधान का निर्माण हुआ है। अगर पेशवाई खत्म नहीं होती तो शायद संभवतः बाबा साहब राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले जी का आंदोलन हमें नहीं दिखाई देता, राजश्री शाहू महाराज या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन है वो हमें दिखाई नहीं देता। पेशवाई अगर जिंदा होती तो उन 500 शूरवीरों ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। 500 लोगों ने 28,000 की फौज को समाप्त करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस घटना की नोंद होनी चाहिए, ऐसा ये घटना है। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने
300 पिक्चर देखा होगा, जो हॉलीवुड की मूवी है 300, 300 लोग लड़ते हैं और लड़ते लड़ते मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह काल्पनिक घटना है, वो जो फिल्म है वो पूरी काल्पनिक है, लेकिन वास्तव में महाराष्ट्र के पुणे में भीमा कोरेगांव के नज़दीक एक ऐसी लड़ाई हुई जिसमें 500 लोगों ने 28,000 लोगों को परास्त कर दिया। हालांकि पेशवाओं की जो फौज थी वो शुरू में 30,000 की थी, और 500 लोग जो थे वो 500 लोगों में सिद्धनाथ महार और भिकनाक महार, ये दो योद्धा ऐसे थे कि केवल इनका नाम सुनते ही पेशवाओं की 2,000 की फौज वापस चली गई। मतलब ये इतने शूरवीर योद्धा थे, और उनका नाम सुनकर बाकी 2,000 की फौज जो थी वो वापस चली गई। 500 लोगों ने 28,000 को मार दिया, परास्त कर दिया, उनका पराभव किया, और शायद तभी से महाराष्ट्र में और सारे देश भर में एक मुहावरा प्रचलित हुआ। वो मुहावरा ये है, अगर आप 28,000 को 500 से अगर डिवाइड करोगे तो आंकड़ा आता है 56। अगर हम और तभी से महाराष्ट्र में और सारे देश भर में एक मुहावरा प्रचलित हुआ कि तेरे जैसे 56 देखे हैं। मतलब एक आदमी जब किसी को ललकारता है तो वो कहता है कि तेरे जैसे 56 देखे हैं। ये मुहावरा एक बहुजन योद्धा ने 28,000 में से 56 लोगों को जब मारा तब ये पेशवाई खत्म हुई है। उन्होंने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, और आज के बहुजन समाज के लोग मैंने यहाँ पर देखा है कि केवल अपना माथा टेकने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर आते थे, आने के बाद अन्य अत्याचारी व्यवस्था को, ब्राह्मणी व्यवस्था को नष्ट करने की प्रेरणा यहाँ से लेकर जाते थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लाखों लोग यहाँ पर कल आने वाले हैं या आज से आना शुरू हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वे लोग भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की तरह यहाँ से प्रेरणा ले, और आज जो नई पेशवाई निर्माण हो रही है सारे देश में, उस पेशवाई को ख़त्म करने के लिए अपना साथ सहयोग दे। हमें अपनी जान की बाजी नहीं लगानी है, उन 500 लोगों ने अपनी जान दे दी, हमें जान नहीं देनी है। केवल 5 चीज़ें जो आप दे सकते हैं, जो 5 बातें आप दे सकते हैं वही देना है। वो 5 बातें हैं समय, बुद्धि, हुनर, पैसा और मेहनत। ये अगर 5 बातें हम लोग सही ढंग से अगर लगाए, सही दिशा में अगर लगाए, तो मुझे उम्मीद है और आशा है कि आने वाली ये पेशवाई पूरे भारत से हम समाप्त कर सकते हैं। कर सकता है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का ये लाइव वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली की जो और भी जो घटनाएं होंगी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही लाइव के जरिए, फेसबुक लाइव के जरिए आपके सामने रखूंगा। अब तक के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।